वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से लाइव के माध्यम से नहीं जुड़ा हूँ आप लोगों जूनियर शिक्षक भर्ती वालों से। समझते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक, कल ये ठीक है सारा कुछ माध्यम से अपडेट किया गया है। संदीप वर्मा प्रॉक्टर छात्र नेता लावत सचिव नदल से जो भी है ठीक है, उससे हमें लेना देना नहीं इस राजनीति से। आगे चलते हैं, जो मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि सेवा में माननीय अनुप्रिया पटेल जी, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सरकार, कल बच्चों ने किया क्या है कि अनुप्रिया पटेल जी से वार्ता की और उन्होंने ये बोला है, को पता ही है वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री प्रेजेंट है, और उन्होंने ये बोला कि एक दो दिन में हम इस पर बात भी करेंगे। ठीक, बात को समझना। तो ये उन्होंने बच्चों ने लिखकर पूरा भेजा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है अविलंब पूर्ण प्रक्रिया संपन्न करें। ठीक है, गतिमान है जिसकी परीक्षा 17 अक्टूबर, सारा कुछ लिखा। आपसे निवेदन है से प्राप्त अधिकतम रिक्त पदों में भर्ती की जोड़ा जाए, नंबर एक पॉइंट, ये आप लोगों के लिए अच्छा ही है। और मैं आपको अगर सही सही बातें बताएं, जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप बोलते हैं कि सर क्या पद बढ़े हैं क्या हुआ है, तो इसका ऑफिशियल डेटा अभी कहीं कुछ नहीं। दूसरी बात समझ लो, पद बढ़े हैं क्या हुआ है, उतने तो पद हैं ही, उस कम नहीं होगी, टेंशन न लो, लेकिन इतने भी बढ़ जाएं ये थोड़ा असंभव है। ठीक, बात को अच्छे समझ लो, असंभव है, क्योंकि ये सरकार कौन सी है, बीजेपी की सरकार है, ये पद कम कर रही बढ़ा नहीं रही है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें, देखिए क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, समझना हो समझना, नहीं तो आप बोल सकते हो कि आप कैसे कह सकते हो ये सब बातें, तो ये अंदर से ही बात है। आप लोग शायद ही बच्चों द्वारा जो कहा गया कि पद बढ़ गए हैं ये हुए हैं, कि धरने में बच्चों के जो चीज़ें हैं आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि 1500 पद है तो हमारा होगा ही नहीं, तो हम क्यों जाएं, है ना, यही सारी चीज़ें। वही अगर हम बोलें कि अभी 5000 पद हैं तो आप लोग एक बार शायद आए, तो उससे जो है भर्ती प्रक्रिया तो शीघ्र हो जाए। डेटा ये कहीं अंदर से कुछ नहीं निकल के आया है कि 5000 हुए, 4000 हुए, 6000 हुए, उतने कन्फर्म है, बाद बाकी अभी कोई डेटा वहां से नहीं निकला है, ना PNP बोल रहा है, और प्रशासन अगर बोल भी रहा है तो केवल टहलाने का काम कर रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, PNP वाले क्या करती, टहलाते बहुत अच्छे से हैं बच्चों को, इन्हें दिन भर यही करना रहता है, डील करना, बोल देते हैं कि हाँ हमने डेटा भेज दिया ये, जिससे आप इनसे कुछ न कहें, आप जाएं अपनी मांग आप सरकार से रखें। ठीक है, सरकार आपको पता है इस समय चुनाव में भी जी, तो सरकार आपका सुनने वाली नहीं है, इसे उन्हें भी पता, तो अपनी टोपी डालकर बस उधर रख रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल डेटा कहीं कुछ लीक नहीं हुआ है, कितने पद पर इन्हें कराना है क्या है, पद बढ़े हैं ये जरूर सुनने मारा, लेकिन इतने बड़े हैं ऐसा भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, तो थोड़ा सा गुमराह ना हो, इन चीजों को लेकर खुली खुली बात बोल रहा हूँ। ठीक, और दूसरी बात, आप जल्द जल्द प्रक्रिया कराने की कोशिश करें। ठीक है, उत्तीर्ण छात्र शासकीय यूनियन पोर्टल NIC के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री ये ट्वीट किया, आवेदन शुरू हो जाएंगे, बच्चों ने इसके नीचे अपना रिजल्ट लगाया हुआ है। ठीक है, और रिजल्ट के बाद उनका ये ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, यहाँ पर ही देखिएगा, 3 पद बढ़ाए इन्होंने, यहाँ यहीं तक ऑफिशियल है, इसके आगे कोई ऑफिशियल नहीं है। आप कोई हमसे कह दे कि 10000 हो गए, ठीक है कोई मिल जाए भी हमें, है ना, तो ये PNP में तो हर एक बाबू भी या चपरासी भी अपने आप को जो है बहुत बड़ा अधिकारी समझता है। ठीक है, तो अच्छे समझ लो इन चीज़ों को। अब बात कर लेता हूँ, आप लोग मुझसे परेशान है कट ऑफ के लिए। ठीक है कि सर कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ बता दीजिए, मेरे दोस्त मैं कैसे बता दूँ कट ऑफ, है किस तरीके से बता दूं। मैं 10 बार बोल चुका हूं कि ये ऐसी भर्ती है जिसका कैसे कोई कटाव निकाल, कोई नहीं निकाल सकता है। अगर कोई निकाल रहा है, बात को समझना, अगर कोई निकाल रहा है तो वो महामूर्ख। ठीक है, आप मुझे बताओ, हमें वैकेंसी क्लियर नहीं है, हमें कुछ क्लियर है नहीं, हमें ये नहीं पता कि साइंस की कितनी, अभी बीच में एक अखबार में निकलता है कि हम जो है सब्जेक्ट वाइज नहीं भरी जाए, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन मेरे दोस्त क्रिएट कर दिया गया है। खैर वो जो अखबार वाली बात है मुझे गलत लगती है, और वो अंदर से भी प्रशासन से भी ये बार निकल गई, वो गलत है। सब्जेक्ट वाइज अगर आपका अगर ऐसा होता है तो ये कोर्ट में फर्जी में गिर जाएंगे और बहुत बुरा गिरेंगे।
भाई अगर आप सब्जेक्ट वाइज एग्जाम कराते हैं, हर एक सब्जेक्ट का आपने अलग अलग पेपर लिया है, तो भाई सब्जेक्ट वाइज आप वैकेंसी भरेंगे ना, ये थोड़ी ना, तो फिर बच्चों के साथ ही धोखा हो गया। खासकर मैथ साइंस वाले तो बेचारे बहुत परेशान, पेपर उनका एक अलग ही लेवल का आपने बनाया, ठीक है, तो फिर सम्मिलित बना लेते सबका, तो ज़्यादा बेनिफिट था, है ना, उनको भी और सबको भी। अब भाई हिंदी जिसकी जिसका पेपर होगा उसके में मैथ साइंस रख दी जाती तो वो खत्म हो जाता। मैथ साइंस वाला तो हिंदी कर लेगा, ठीक है, कंपटीशन जुड़ा रहे, हिंदी वाला ये नहीं कर पाएगा। सच्चाई यही है, किसी को बुरा भले लग जाए, ठीक है, तो ये सारी चीजें संस्कृत वाला कर पाएगा। आप बताओ, अब सब्जेक्ट में आप एग्जाम करा रहे हो इस तरीके से, कभी नहीं होगा, इस बात को अच्छे समझ लो, उसमें आप टेंशन ना लो। अगर कहीं धोखे से भी इन्होंने किया तो बहुत बुरे गिरेंगे, तुरंत कोर्ट में भर्ती बहुत बुरी फंसेगी, और फंसने के बाद डिसीजन आपके ही पक्ष में आएगा, ठीक है, तो सरकार ऐसा नहीं करेगी। अगर महामूर्ख हो तो वो बात की बात है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज ही होंगी, सारा कुछ होगा, सबकी कटाप आएगी, सब कुछ होगा, और उसमें आरक्षण के भी सारे रूल लगेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आरक्षण दो प्रकार से होता है, इस बात को अच्छे समझ लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों आरक्षण ही लगकर सारा कुछ, मतलब ये सारी चीजें ध्यान दी जाती है, उसके बाद ही कोई वैकेंसी क्लियर होती है। तो हॉरिजॉन्टल तो कन्फर्म है, वर्टिकल बाद में लगेगा, ठीक है, अगर कोई वैकेंसी ये देना चाहेंगे तो। जैसे महिला आरक्षण हो गया या अन्य आरक्षण होते, बीएच हो गया, पीडब्ल्यूडी सॉरी एक्स सर्विसमैन, ये सारे जो है उसमें आ जाते हैं। अभी कोई वैकेंसी का डेटा नहीं तो उसमें बताया भी नहीं जा सकता इन्होंने क्या किया, लेकिन जब वो डेटा देंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगे। तो कट ऑफ के लिए मेरे दोस्त परेशान बिल्कुल भी ना हो, कट ऑफ का कोई कुछ नहीं बता सकता मैं तो, छोड़ो, ठीक है, क्योंकि कोई चीज क्लियर नहीं है क्या कितनी वैकेंसी कितने, बस ये जान लो अगर वैकेंसी कम रहती है तो कट ऑफ अपने आप हाई जाएगी। बच्चों की एकेडमिक है अच्छी खासी, ये आप दिमाग में ना रखें कि एकेडमिक नहीं, एकेडमिक काफ़ी अच्छी है बच्चों की, 32 34 35 तक है, ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी है, तो अगर 1500 वैकेंसी रही तो कट ऑफ अपने आप हाई जाएगी, क्योंकि एकेडमिक इतनी अच्छी है, नंबर भी बच्चों के अच्छे हैं, तो अपने आप वो जो है कट ऑफ बढ़ के आएगी, ठीक है। मैथ साइंस की भले कम चली जाए, बाद बाकी और किसी की किसी भी हालत में कम नहीं जाने वाली, कट ऑफ हाई ही रहने वाली। जैसे ही कोई और डेटा आता है मैं आपको जरूर, आप बस चैनल से जुड़े रहे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कल मुझे सुनने में आया, बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि कोई यूट्यूबर है उसने कल लिस्ट जारी कर दी, ठीक है, तो यार ऐसे चैनल क्यों देखते हो मेरे दोस्त, हैं दिन भर का यही देखते रहते हो, इनको रिपोर्ट किया करो, पहली बात, गालियां दो जितनी तुम्हारे अंदर हो उतनी दो, ठीक है, ऐसे चैनल को बंद करवाओ यार, अगर किसी को आप गुमराह कर रहे हैं तो गलत है भाई, हैं इस तरीके से आप व्यूज और उसके चक्कर में अगर ऐसा कर रहे हैं तो यूट्यूबर से मेरा विनम्र नहीं निवेदन है, ठीक है, मैं बोल नहीं सकता इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ, तो उनको मैं जरूर बोलूं कि यार जो कर रहे हो ये गलत है, ठीक है, तो गलती ना करें, आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, मेरा बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि ये सारे चक्कर छोड़कर मेहनत करो सही दिशा में। आज हमारा चैनल 20,000 के पास पहुंचने जा रहा है, कम वीडियो डालो लेकिन अच्छे डालो, इस तरीके की हरकत ना करें। भविष्य में आप लोग भी अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं, कोई भी डेटा या आप पढ़ाना चाहते हैं भविष्य में, तो आप बस इतना रहिए अपने काम के प्रति दोस्तों ईमानदार रहिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सही ही चीज़ भेजिए, कभी कोई गलती हो तो उसको स्वीकारिए कि हमसे गलती हुई है, या अगर ज़्यादा गलती हो तो उस वीडियो को ही डिलीट कर दीजिए, क्योंकि भ्रांतियाँ ना फैलाएं, भ्रांति फैलाने वाले बहुत लोग इस भारत में पहले से ही है, तो आप उसमें सहभागी ना बने, ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, मैं थोड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।